प्रतिदिन भगवान के दर्शन पूजन करने वाले श्रावक जब भगवान का जल अर्पण करते हैं, जल चढ़ाते हैं, कौन सा मंत्र बोलते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। ये तीन महारोग हैं, संसार में ऐसा कौन है जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, फिट हो, बोलो। और अगर पल दो पल के लिए ऐसा निश्चित मान लिया जाए कि स्वस्थ है, फिट है, तो मालूम पड़ता है कि दूसरे दिन तीसरे दिन वह भी अनफिट हो जाता है, आउट हो जाता है। आप देखिएगा खिलाड़ियों में बहुत फिट हैं और बहुत बढ़िया गोल्ड जीत रहे हैं, मालूम पड़ा कि बाद में वही अनफिट हो गए और आउट हो गए। संसार में कोई भी पूरी तरह से ना तो फिट है और ना कोई पूरी तरह से फाइन है, जो कुछ है सब रिफाइन ही है, अनफिट ही है, बदलने वाला है। इसलिए रोज रोज हम भगवान को अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, और अगर पूजा करें और जल चढ़ाएं तो ये मंत्र बोलते हैं कि हमारा जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो, इसलिए जल की धारा अर्पण करते हैं। जल नहीं हो तो क्या चढ़ाते हैं? फिर चंदन चढ़ाते हैं, जय हो। और चंदन नहीं हो तो क्या चढ़ाते हैं? देखो ऐसा है कि पूजा तो जितने अच्छे से करो, जितने द्रव्यों से करो, उतनी बढ़िया। और लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो जो कुछ है प्रासक श्रेष्ठ द्रव्य वही चढ़ा दो तो भी पूजा हो जाती है, और वह भी ना हो और केवल भावों से भक्ति कर ली जाए तो भी फल में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन लोभी और आलसी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो हमने कहना चालू कर दिया कि फल तो भावों से मिलता है, हम तो भाव पूजा कर लेते हैं। मुनि महाराज को हम भाव से आहार दे लेते हैं, सच में सोला बदलने में तो बड़ा दिक्कत होती है, पहले सुखाओ, फिर संभालो, फिर जल्दी से बदलो, कोई छू गया तो आफत, उसके बाद चौके की तैयारी करने में भी बड़ा, इसलिए हम भाव से आहार लेते हैं, हम भाव से पूजा कर लेते हैं। तो केवल भाव से अगर ऐसा करने लग जाएंगे ना तो फिर ज्ञानी, जिस दिन तुम भाव से पूजा करो, भाव से आहार दान करो, उस दिन भोजन भी भाव से करना, आनंद आ जाएगा। शाम होते होते पूरा पक्का हो जाएगा कल से आप भाव से नहीं करना है। भाव तो होना चाहिए लेकिन द्रव्य भी होना चाहिए। क्यों? आप द्रव्य वाले हैं, बोलो। एक सही श्रावक के पास द्रव्य की कौन सी कमी है? उसके पास द्रव्य हैं, वह वस्तुएं अपने पास रखता है, उनके माध्यम से पूजा भक्ति भी कर सकता है, आहार दान आदि भी कर सकता है, खुद के लिए प्रासुक आहार बनाता है और मुनियों को पड़गान करके आहार दान भी कर सकता है। ज्ञान का स्वभाव जानना है, आप खुद भी ज्ञान स्वभावी हैं, ज्ञानानंद स्वभावी। कौन कौन है ज्ञानानंद स्वभावी? चार छह लोग ज्ञानानंद स्वभावी हैं, बाकी लोग कैसे हैं?
भाई स्वभाव तो है, स्वभाव तो है, व्यक्ति हो ना हो शक्ति तो है ही। अपनी शक्ति को जानो, शक्ति को जानोगे तो कभी व्यक्ति भी पाओगे। जैसे इंद्र नील मणि दूध में पड़ जाए, दूध में डाल दिया जाए, इंद्र नील मणि रत्न होता है, नीला रत्न होता है। अब देखा तो किसी ने नहीं होगा, किसी ने देखा है? हैं, तरह तरह के रत्न होते थे, आज भी होते हैं। इंद्रनील मणि को अगर दूध में डाल दिया जाए, होते हैं बहुत तरह के रत्न होते हैं। रत्न माने कीमती पत्थर, वास्तव में बहु रत्ना वसुंधरा, तरह तरह के रत्न है। मूड़ बिद्री में जो जिनालय है 1008 खंभों वाला, सहस्त्रकूट वसदी, सहस्त्र खंभ वसदी, चंद्र प्रभु भगवान की 9 फुट की ऊंची प्रतिमा है, और उसी में तीसरे मंजिल पर पूरी रत्नों की मूर्तियां हैं, और सबका अपना अलग अलग प्रभाव, अलग अलग। इस मूर्ति का अभिषेक करने से दूध का दही बन जाता है, दूध से अभिषेक करते हैं जैसे वहां, तो उस मूर्ति का अभिषेक करेंगे तो क्या बन जाएगा दूध से? और ऐसी दूसरी गरुड़ मणि की प्रतिमा है, उस प्रतिमा का अभिषेक करके उसका गंधोदक अगर किसी को दे दिया जाए तो उसका नाक सांप का जहर उतर जाता। तो मणियों की शक्तियां, और उसके साथ मंत्र हो, और उसके साथ उसकी जिन प्रतिमा ही बना दी गई हो तो महत्व तो और भी बढ़ जाता है। तरह तरह की मणियां होती हैं, इंद्रनील मणि रत्न ऐसा रत्न है कि अगर वह दूध में डाल दिया जाए तो पूरा दूध नीला नीला दिखने लगता है। भाई स्फटिक मणि तो आपने आज भी देखा है, स्फटिक मणि जिस संपर्क में रहे उस रंग का दिखने लगता है, उसका अपना कोई अपना, उसका जो शुद्ध वर्ण है वह तो एकदम पारदर्शी निर्मल, लेकिन जैसे उसमें रख दिया जाए, नीले वस्त्रों के बीच में रख दिया जाए, लाल दीवारों के बीच में रख दिया जाए तो लालामी दिखने लगती उसमें। ऐसे ही अपना ज्ञान है, ज्ञान जैसे दूध में पड़ा हुआ इंद्रनील मणि दूध को नीला करता हुआ भी दूधमय नहीं हो जाता है, और दूध नीला होता हुआ भी वास्तव में नीला नहीं हो जाता है। उस समय तो वास्तव में नीला है, लेकिन अपने स्वभाव को छोड़ करके कोई नीलेपन को स्वीकार नहीं कर लेता। ऐसे ही ज्ञान सब पदार्थों को जानता हुआ भी पदार्थमय नहीं हो जाता है, और पदार्थ भी ज्ञानमय नहीं होते। ए जानो, अगर कोई चीजें मिल गई, कोई चीजें बिछड़ गई तो उनका बहुत ज्यादा राग द्वेष दुख शोक मत करो, क्योंकि हमने पहले भी उनको जाना था और आज भी हम जान ही रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते। कभी अपनत्व रूप से जानते हैं तो सुख मालूम पड़ता है, और परत्व रूप से जानते हैं तो, वियोग रूप से जानते हैं तो दुख मालूम पड़ता है। आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं, रजन में इंद्र नीलम दुद्धस्यम जहा सभासाई अभिभूतम पि दुद्धम बट्टदी तहनान मठेसु जदिते न संति अठा नाणे नाणम न हो दि सव गयम स
सबगयम बानानम कहम ननानठिया। ज्ञान स्वभाव है प्रत्येक सचेतन का। जो जो चेतन है, जो जो जीव है, वो जीव ही इसलिए है क्योंकि चेतना है। चेतना लक्षणों जीवा। आप सब चैतन्यमय जीव हैं। चिति शक्ति से संपन्न आत्माओं, चेतना ज्ञान दर्शन उपयोगमय है और ज्ञान सबको जानता है। ज्ञान का स्वभाव। बहुत बार हमें लगता है कि किताबों से जानते हैं, किताबों से नहीं जानते। किताबें जनाने में निमित्त हो सकती हैं, वास्तव में जाना जाता है अपने स्वभाव से, ज्ञान स्वभाव से। खुद में शक्ति ना हो, स्वशक्तिर नास्ति अन्येन किम पारयेत। अगर खुद में शक्ति ना हो तो कितने सारे निमित्त हों, क्या सिद्धि होगी? आप खुद नहीं चल सकते हैं, मान लीजिए खुद नहीं दौड़ सकते हैं, तो आपको कौन दौड़ा सकता है? चार जने पकड़ लें और कहें हम आपको दौड़ाएंगे, आप दौड़ सकते हैं? आप मना ही करेंगे, चिल्लाएंगे कि छोड़ दीजिए, मुझे नहीं दौड़ना है, मुझे नहीं दौड़ना आता। आप खुद नहीं चल पा रहे हैं, खुद नहीं पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, और कोई कहे कि शिखर जी की यात्रा करना है, चलो हम हाथ पकड़ के चलाएंगे। कोशिश करें, हिम्मत करें, लेकिन खुद की क्षमता नहीं है तो दूसरे चार जने मिलके भी यात्रा नहीं करा सकते। खुद की सामर्थ्य हो तो यात्रा होती है। ज्ञानी ऐसे ही, अगर खुद का ज्ञान स्वभाव हो तो और साधनों से क्षायु समय ज्ञान की वृद्धि हानि हो सकती है। और खुद का अगर स्वभाव ही नहीं है, चेतना शक्ति नहीं है, तो टेबल कुर्सी को कोई ज्ञान नहीं होता। यहां पर जितने श्रावक हैं, लगभग उतनी कुर्सियां भी हैं। श्रावक सुनते हैं, कुर्सियां सुनती हैं, कुर्सी नहीं सुनती। कितने प्रवचन हो जाए, कुर्सी कुर्सी रहेगी, जड़ रहेगी। चेतना हमारा स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है। इस ज्ञान स्वभाव को निर्मल करेंगे तो एक दिन केवल ज्ञानी ही बन जाएंगे। सौभाग्यशालियों, यदि ते न संति अट्ठा नाणे, अगर ये पदार्थ ज्ञान में न वर्ते, नाणम ना हो दी सबगदम, तो ज्ञान सर्वगत नहीं हो। और सबगदम बाणानम, ज्ञान तो सर्वगत है, कहम न नानठी अट्ठा, तो पदार्थ ज्ञान में स्थित कैसे नहीं है? हैं, मतलब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से कुछ भी अछूता नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं कि किसने मुझे देखा? कभी कभी कोई व्यक्ति गलती करता है, मान लीजिए सिगरेट पीता है, वो छुप करके सिगरेट पीता है, वो सोचता है कि मुझे किसने देखा। शराब पीने वाले, दारू पीने वाले अक्सर कर छुप जाते हैं, अक्सर कर वो गूढ़ जगह, अंधेरी वाली जगह, जहां लोग कम आते जाते हैं, वहां बैठेंगे और फिर सोचेंगे मुझे किसने देखा। अपन में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई त्याग है, कोई व्रत है, अब चार लोगों के बीच में हमारा बोलना खुल जाए तो चुपके से कोई गलती करेंगे और क्या सोचेंगे कि मुझे किसी ने नहीं देखा। बहुत बार होता है, जैसे जहां हम विश्राम हैं या फिर जहां हम बसतिका में रुके हुए हैं, तो अब किसी को तो पता नहीं है कि यहां अंदर कौन है। जिनको मालूम है उनको मालूम है कि महाराज जी यहां रुके हैं, मुनि संघ यहां रुका है। और जिनको नहीं मालूम है वो क्या होता है कि एकांत खाली जगह देख करके पीछे खिड़की के पास आकर के और फिर तंबाकू मसलना चालू, यहां कौन देख रहा है। वो सब तरफ देख लेंगे आमने सामने, लेकिन उसी खिड़की के पास खड़े होके वो तंबाकू कोई नहीं देख रहा है उनको। अरे खिड़की के बाहर वाले हो तुम, खिड़की के भीतर वाले तो तुमको देख रहे हैं।
ऐसे ही संसारी जनों, एक नहीं अनंत अनंत सिद्ध भगवान तुम्हें देख रहे हैं। अनंत सिद्धों के ज्ञान के गोचर हम बने हुए और आगे हमें सिद्ध भगवान वीतरागी प्रभु देखें जाने, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहेंगे, उनको क्या लेना देना है। जब तक अरहंत अवस्था में थे जो कुछ कहने जैसा था वो सब कह दिया, और वो भी बिना राग द्वेष मोह के कह दिया। अब तो कहने जैसा कुछ नहीं रहा, तो भगवान जान भी लें तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर बैठा हुआ भगवान भी तो जानता है। एक गुरु ने शिष्यों की परीक्षा ली और दो शिष्य बहुत परफेक्ट निकले। उन्होंने कहा कि अब इन दोनों में से भी एक का चुनाव होना चाहिए। दोनों को एक एक फल दिया, जाओ जहां कोई ना देखे वहां इस फल के टुकड़े कर लेना। एक शिष्य गया और चुपके से एकदम एकांत पेड़ के पीछे जाके खड़ा होकर के उसने टुकड़े कर लिए और फल खा लिया। गुरु जी को आगे बताया कि मैं तो बिल्कुल कोई नहीं देख रहा था। दूसरा शिष्य घूमता घामता आया, वो फल वापस लेके आया। उसने कहा कि गुरु जी आपका फल लो। ने कहा क्यों? ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां कोई नहीं देख रहा, और अगर कोई चेतन अचेतन नहीं देख रहा है तो मैं खुद ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूं, मैं तो देख रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। ज्ञान स्वभाव की समझ वाले लोग खुद अपने ज्ञान की कीमत करते हैं, खुद अपने ज्ञान स्वभाव का सम्मान करते हैं, इसलिए दोषों से बचते हैं और निर्दोष जीवन जीते हैं। हमें पूर्ण निर्दोषता पाना है तो हम खुद की नजर से भी देखें कि कहीं गलतियां तो नहीं हो रही हैं। यह ज्ञान की महिमा है, यह ज्ञान का वर्चस्व है कि उसका सब कुछ गेय, सारे गेय विषय बनते हैं और वह सबको जानता है। हमारा भी वह स्वरूप प्रकट हो, हम भी लोक की ज्ञाता दृष्टा बने। और एक बात है, लोक की ज्ञाता दृष्टा बनने का आनंद नहीं है, आनंद तो पूर्ण निराकुलता वाली जो दशा होती है उसका है। इसलिए खुद को जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने स्वरूप को जाने और स्वरूप को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।